आज हम एक अनूठा मिठाई तैयार करेंगे, सेब के फ्रीटर्स। बाहर से कुरकुरे और अंदर से मुलायम, ये किसी भी अवसर के लिए उपयुक्त है। सामग्री: दो बड़े मीठे सेब, 200 ग्राम मैदा, दो अंडे, 250 मिलीलीटर दूध, दो बड़े चम्मच चीनी, एक पाउच बेकिंग पाउडर, तलने के लिए वनस्पति तेल, पाउडर चीनी और पीसी हुई दालचीनी। एक बड़ी कटोरी में मैदा और बेकिंग पाउडर को छलनी से छाने ताकि किसी भी ढेले को हटाया जा सके और एक चिकना बैटर सुनिश्चित हो सके। चीनी मिलाएं और सूखी सामग्री को समान रूप से वितरित करने के लिए एक विस्क के साथ अच्छी तरह से मिलाएं। एक और कटोरी में अंडे को तब तक फेंटें जब तक आपको थोड़ा झागदार मिश्रण न मिल जाए। यह कदम बैटर में हवा को शामिल करने में मदद करेगा जिससे फ्रीटर्स हल्के बनेंगे। धीरे धीरे दूध को अंडों वाली कटोरी में डालें, लगातार हिलाते रहें ताकि ढेले न बने। सुनिश्चित करें कि मिश्रण एकसार हो। इस बिंदु पर धीरे धीरे मैदा, बेकिंग पाउडर और चीनी के मिश्रण को अंडे और दूध के मिश्रण में मिलाएं। एक विस्क या स्पैटुला के साथ हिलाते रहें जब तक कि आपको एक चिकना ढेले रहित बैटर न मिल जाए। बैटर वाली कटोरी को ढक दें। इसे कमरे के तापमान पर लगभग 30 मिनट के लिए आराम दें। इस आराम से मैदा पूरी तरह से हाइड्रेट हो जाएगी जिससे बैटर की स्थिरता में सुधार होगा। इस बीच सेब को छीलें और उसका कोर निकाल दें। यदि आपके पास एक कोरर है तो इसका उपयोग करें जिससे काम आसान हो जाएगा। अन्यथा आप कोर को एक तेज चाकू से निकाल सकते हैं, इस बात का ध्यान रखते हुए कि सेब पूरा रहे। सेब को क्षैतिज स्लाइस में काटें जो लगभग आधे सेंटीमीटर मोटे हों ताकि समान सेब रिंग प्राप्त हो सके जो तलने के लिए उत्तम हो। वनस्पति तेल को एक गहरे पैन में गर्म करें जब तक कि यह लगभग 170-180 डिग्री सेल्सियस तापमान तक न पहुंच जाए। तेल को इतना गर्म होना चाहिए कि वह फ्रीटर्स को जल्दी से तल सके, लेकिन इतना गर्म नहीं कि वह उन्हें जला दे। एक समय में एक सेब की स्लाइस को बैटर में डुबोएं। सुनिश्चित करें कि यह एक समान परत के साथ पूरी तरह से कवर हो गया है। स्लाइस को एक कांटा से उठाएं ताकि अतिरिक्त बैटर टपक जाए, फिर इसे धीरे धीरे गर्म तेल में डुबोएं। फ्रीटर्स को कुछ मिनटों के लिए पकने दें, उन्हें आधे रास्ते पर पलटें जब तक कि वे दोनों तरफ से सुनहरे और कुरकुरे न हो जाएं। एक समय में कुछ स्लाइस को ही तलें ताकि तेल का तापमान स्थिर रहे और समान तलने की गारंटी हो। जब फ्रीटर्स अच्छी तरह से सुनहरे और कुरकुरे हो जाएं, तो आपको उन्हें तेल से निकालने के लिए एक छलनी वाले चम्मच का उपयोग करना होगा और अतिरिक्त तेल हटाने के लिए उन्हें पेपर टॉवेल से ढकी हुई प्लेट पर रखना होगा। फ्रीटर्स को कुछ मिनटों के लिए आराम दें, बस उतना समय जितना उन्हें हल्का ठंडा करने के लिए चाहिए। इस बिंदु पर उन्हें एक सर्विंग प्लेट में स्थानांतरित करें। एक छलनी का उपयोग करके पाउडर चीनी के साथ फ्रीटर्स को उदारता से छिड़कें ताकि एक समान और नाजुक परत मिल सके। यदि आप एक अतिरिक्त सुगंधित स्पर्श चाहते हैं तो पाउडर चीनी के ऊपर थोड़ी पिसी हुई दालचीनी छिड़कें। दालचीनी सेब की सुगंध और स्वाद को बढ़ाएगी जिससे फ्रीटर्स को एक गर्म और मसालेदार नोट मिलेगा जो उन्हें और भी अनूठा बना देगा। सेब के फ्रीटर्स को तब परोसें जब वे अभी भी गर्म हों, शायद वनीला आइसक्रीम या कारमेल सॉस के साथ, फ्लेवर और तापमान के विरोधाभास के लिए जो आपके मेहमानों को आश्चर्यचकित कर देगा। इन स्वादिष्ट सेब के फ्रीटर्स का आनंद लेने के बाद यह देखना आसान है कि वे इतने प्रिय मिठाई क्यों हैं। मीठे और रसदार सेबों का संयोजन एक कुरकुरा और हल्का बैटर में लिपटे हुए नरमी और कुरकुरापन का एक आदर्श संतुलन बनाता है, एक मिठास के साथ जो तालू को संतुष्ट करती है। जो भी अवसर हो, सेब के फ्रीटर्स हमेशा आपको शुद्ध आनंद और आराम का एक क्षण देंगे, इतालवी परंपरा के स्वाद और सुगंध को जीवंत करेंगे। नई रेसिपीज के लिए सब्सक्राइब करें और हमारी वेबसाइट पर जाएं।